मंच पर आप सभी हमारे समाज के वरिष्ठ जनों का हार्दिक अभिनंदन। कहीं की गाड़ियां खींचा गई है। मैं मेरे मेहरपुर की बात बताना चाहता हूं कि मेरे मेहरपुर के अंदर 30 साल और 35 साल के अंदर कभी 2% गाड़ियां कभी फाइनेंसरों ने नहीं खींची थी, लेकिन आज स्थिति है कि 20-30% गाड़ियां खींचा गई। तो ऐसा एक संकट का दौर चल रहा है और इस संकट के दौर में अगर हम खड़े नहीं हुए और हमारे जो भी नेता को लीडर है उन लोगों ने अगर कोई बात का बेड़ा था उनका साथ नहीं दिया तो यह हमारे पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। मैं तो यही कहूंगा कि हमें हड़ताल करना चाहिए, हड़ताल करके सरकार को यह दिखाना चाहिए कि हम एक शक्तिशाली है। अनेकता में एकता और एकता में संगठन, वो संगठन में ही शक्ति है। तो मैं आपसे सभी से निवेदन करूंगा कि आप बिल्कुल तन मन से मन बना लें कि हमें हड़ताल करना है, क्योंकि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एटीट्यूड था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। एक मुख्यमंत्री इतने बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ जो उनका व्यवहार जो सामने आया, ये ऐसा आम आदमी के साथ भी नहीं किया जाता है, जो एक बुरा था कि आप अगर कोई, हम एक आदमी हैं जनरल तौर से, हम हमारी समस्याओं को रखेंगे, उस समस्याओं को रखने के बाद हम कुछ चेतावनी भी देंगे। अगर यादव जी ने यह कहा कि अगर आप हमारी बातें नहीं मानेंगे तो हम हड़ताल पर जाएंगे, उन्होंने उत्साह किया, ये एटीट्यूड मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल गलत था। तो अब अगर ये मुख्यमंत्री ऐसे अपना एटीट्यूड अगर वापरते हैं तो हमें भी यह संकल्प लेना चाहिए कि हमें इस प्रदेश के अंदर ट्रकों की हड़ताल करके चक्कर जाम करके पूरे प्रदेश को जाम कर देना है।